नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं डेरा सच्चा सौदा में। यहाँ पर संत डॉक्टर गुरमीत राम रेन सिंह जी इंसा का 55th बर्थडे सेलिब्रेशन किया जा रहा है और लाखों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं। तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि इतना कुछ हो गया फिर भी ये लोग डेरे में आते हैं, आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर, क्या होता है डेरा सच्चा सौदा में, उनके क्या विचार है, यहाँ पर आने वाले बच्चों बूढ़ों सभी से हम बातचीत करेंगे और आज आपको मिलवाते हैं उनसे। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमीत सिंह है। कहाँ से आए हो आप? हम पंजाब से आए हैं, सुमाना के पास हमारा गांव है। तो आप पंजाब से स्पेशल यहाँ क्या करने के लिए आए? हम पिताजी का वचन सुनने आए हैं जो वीडियो के द्वारा दिखाते हैं। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको डेरे में आते हुए? हमको करीब 20 साल हो गए, हमारे पापा 20 साल से यहाँ पर आते हैं। अच्छा, मतलब आपकी पूरी फैमिली आती है तो, और अब आप भी डेरे में आते हो। हाँ। तो जैसे गुरुजी गए हुए हैं तो फिर भी आप लोग आते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे दृढ़ विश्वास है पिताजी पर। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपको, आप भी कह रहे हो कि आपका दृढ़ विश्वास है। अच्छा, पिछले कुछ टाइम पहले अभी 30 दिन गुरुजी यहाँ पर रह कर गए, तो क्या आप तब भी आए थे? नहीं, हम जो हमारा शहर है सुमाना, उस वहाँ पर टेलीकास्ट हुआ था पिताजी का, वहाँ पर हमने बैठकर पिताजी से बात की थी। वहाँ पर बैठकर बात की आपने? तो जब पिताजी से आपने वहाँ बात करी, अपने गुरुजी से वहाँ पर बात करी, तो आपको कैसा लगा? मुझको बहुत अच्छा लगा। जब पिताजी की खुशखबरी आई कि पिताजी बाहर आ गए, पहले तो मेरे आँख से आंसू निकले, फिर खुशी हुई। बहुत बड़ी बात है, आप इतने छोटे हो फिर भी आपका, आपके गुरु के प्रति जज्बा, आपका प्यार बहुत काबिले तारीफ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे वो आए तो आपको क्या फ़र्क लगा कि जब वो 30 दिन के लिए यहाँ आए और अभी वो समाज में नहीं है, तो क्या फ़र्क लगा? मुझको ये फ़र्क लगा कि जो नशा करते थे 8-15 लाख जो बच्चे हैं पिताजी के, उन्होंने नशा छोड़ दिया है, इसके लिए मुझे फ़र्क लगा। तो मतलब बहुत से लोगों ने नशा छोड़ दिया गुरुजी के आने पे, आप ये कहना चाहते हो? तब आप समाज में जो लोग कभी डेरा सच्चा सौदा से नहीं जुड़े या उन्होंने कभी डेरे में आकर ही नहीं देखा, आप उनको क्या बताना चाहोगे गुरुजी के बारे में? उनको बताना चाहते हैं कि दृढ़, एक बार दृढ़ विश्वास कर कर देखो पिताजी पर, तो आपके सारे दुख गायब हो जाएंगे। तो अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हो कि भी जैसे अभी आपके गुरुजी आए थे, तो अब आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि पिताजी को परमानेंट लेकर आए जल्द से जल्द और हमारे बीच में लेकर आए। तो देखिए, यहाँ पर आने वाले छोटे छोटे बच्चे भी यही एक बात कहते हैं कि हमारा हमारे गुरु पर दृढ़ विश्वास है, और इनका ये भी कहना है कि जब गुरुजी, इनके गुरुजी जो पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर 30 दिन के लिए आए हुए थे, उनके यहाँ आने से यहाँ पर लाखों लोगों ने नशा छोड़ा और अपनी बुराइयों को त्याग कर, नशे को त्याग कर एक सुखमय जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया है। तो हम आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहेंगे जो लगातार डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं, न जाने कब से गुरुजी से जुड़े हैं, उनसे मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट टाइम। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।